एक नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PR ESO टीम पर। तो जैसा कि आप सभी ने PR ESO के मेन कैंपस में MSc केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट बहुत पहले ही आ चुका था और उसका रिजल्ट का एक वीडियो बनाकर मैंने डाल भी दिया था, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसे जाकर देख लीजिए और मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लीजिए। अब उसका जो है काउंसलिंग 27 जुलाई 2022 को रखा गया है, यानी कि आज रखा गया है। कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था क्योंकि लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में काउंसलिंग था, बस उसी में बिजी की वजह से मैं आपको इस जानकारी को नहीं दे पाया था। लेकिन आज जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काउंसलिंग रखा गया है, जितने लोगों का भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन सभी को काउंसलिंग में आना है। तो 10:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपको बिल्कुल पहुंच जाना है, क्योंकि इसी टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होगा। अगर 1 बजे के बाद अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपका सीट कोई और ले जा सकता है और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, भले ही आप फर्स्ट रैंक में हों। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन से कैटेगरी वाले को कौन से फ्लोर पर कौन से रूम पर जाना है। जैसे कि जनरल कैटेगरी वालों को केमिस्ट्री लैब 1 फर्स्ट फ्लोर में जितने भी लोगों ने 14 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स ऑप्टेन किए हैं उन लोगों को पहुंच जाना है। OBC वालों को केमिस्ट्री लैब 2 में जाना है, फर्स्ट फ्लोर में है, 14 मार्क्स या फिर 14 मार्क्स से ज़्यादा वालों को उसमें पहुंच जाना है। इसी कैटेगरी वालों को MSc केमिस्ट्री फाइनल रूम में जाना है, 10 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स से ज़्यादा जिन्होंने ऑप्टेन किया है उनको पहुंच जाना है। ST कैटेगरी वालों को MSc केमिस्ट्री प्रीवियस रूम में जाना है और 10 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स से ज़्यादा जिन्होंने ऑप्टेन किया है उन्हीं को वहाँ पर काउंसलिंग में पहुँचना है। एडमिशन आज है, ठीक है, और जो टाइमिंग रहेगा काउंसलिंग का वो है 2 बजे। तो 2 बजे आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और उसी दौरान आपका एडमिशन होगा, ऑन द स्पॉट आपको फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर टोटल 50 सीट है, लेकिन 35 सीट जो है वो जनरल सीट है और 25 सीट जो है वो पेमेंट सीट है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 13 सीट है, ST के लिए 11, SC के लिए 4, OBC के लिए 5 और FF कैटेगरी के लिए 1 और PH कैटेगरी के लिए 1। और पेमेंट सीट में कोई भी कैटेगरी वाइज ऐसे डिवाइड नहीं किया गया है, सारे लोग जो है पेमेंट शीट पे एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 24,000 दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया है, जिनका मेरिट लिस्ट में पहले नाम है उनको पहले जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपने साथ लेकर जाना है, जैसे कि 10वीं और 12वीं के मार्कशीट, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, BSc के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे मार्कशीट आपको लेकर जाना है, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने किसी अन्य राज्य से पढ़ा है या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय से पढ़ा है, और पात्रता प्रमाण पत्र भी लगेगा अगर आपने किसी अन्य राज्य से पढ़ाई की, और आपको जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लेकर आना है जिसको TC बोलते हैं, और साथ में आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर भी आइएगा। फीस स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि कैसे फीस पेमेंट करना है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्पेशली बताया था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, ठीक वैसे ही आपको फीस पेमेंट करना है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट में ही बैठ कर आप जो है फीस पेमेंट कर सकते हो। ये जो है पेमेंट शीट है, इस पेमेंट शीट को जो है देख कर ही आपको फिलअप करना, कैसे फिलअप करना है उसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया था, वो वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ पर 6,660 रुपये टोटल आपको जमा करना है। ये जो पेमेंट शीट है ये जनरल सीट के लिए, जो फीस स्ट्रक्चर है ये पेमेंट सीट वालों के लिए है। जो भी आपको सीट मिलता है उस हिसाब से आपको फिलअप करके यहाँ पर फीस पेमेंट करना है। कैसे फीस पेमेंट करना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो है, वो देखिए और फीस पेमेंट कीजिए। और साथ में डेबिट कार्ड लेकर जरूर से पहुँचिएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड के बिना आपका फीस पेमेंट नहीं होगा। अगर आपको नहीं आता है तो चुपचाप से साइबर कैफे या फिर चॉइस सेंटर जाके अपना फॉर्म भरवा सकते हो, साथ में कैश भी लेकर आओगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी। कल जो है लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में मैंने बहुत लोगों का फॉर्म जो है वहीं पर ऑन द स्पॉट भरा था, लेकिन कई लोगों का जो है दिक्कत आ रही थी फीस पेमेंट करने में, क्योंकि कई लोगों का कार्ड काम नहीं कर रहा था, कई लोगों का UPI काम नहीं कर रहा था, कई लोग जो है फ़ोन पे से पेमेंट करना चाहते थे लेकिन उनका UPI काम नहीं कर रहा था और कैश भी लेकर नहीं आए थे, तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। अपने साथ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है ये लेकर आइए और साथ में कैश भी लेकर आइए, ताकि अगर पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है तो चॉइस सेंटर में पैसा देकर आप जो है इस फीस पेमेंट को कर पाओ बहुत ही आसानी।